नमस्कार, मैं विजेता घोष और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। होशंगाबाद में हादसा, 4 हॉकी खिलाड़ियों की मौत। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में भीषण कार हादसे में हॉकी के 4 राष्ट्रीय खिलाड़ियों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में शाहनवाज खान इंदौर, आदर्श हरदुआ इटारसी, आशीष लाल जबलपुर और अनिकेत निवासी ग्वालियर से शामिल थे। यह हादसा होशंगाबाद में NH-69 के पास हुआ, जब इन खिलाड़ियों की कार किसी वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी। अंतिम चरण में पहुंची अयोध्या मामले की सुनवाई। अयोध्या मामले में वर्षों से चली आ रही सुनवाई का क्लाइमेक्स आ गया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर तक खत्म करने को कहा था। ऐसे में सुनवाई के लिए केवल 3 दिन बचे हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि अगर समय से सुनवाई खत्म नहीं होती है तो समय पर फैसला आने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। हिंदू पक्षकार के वकील कल देंगे दलीलों का जवाब। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में 15 और 16 अक्टूबर को हिंदू पक्षकार के वकील मुस्लिम पक्ष की दलीलों का जवाब देंगे और अपनी अंतिम टिप्पणी रखेंगे। 6 अगस्त से शुरू हुई सुनवाई का 17 अक्टूबर को आखिरी दिन होगा। पहले अदालत ने सुनवाई की आखिरी तारीख 18 अक्टूबर तय की थी, लेकिन बाद में इसे एक दिन घटाकर 17 अक्टूबर कर दिया गया था। मऊ में सिलेंडर फटने से 2 मंजिला इमारत गिरी, 10 लोगों की मौत। यूपी के मऊ जिले के वलादीपुर में सुबह नाश्ता बनाते समय रसोई गैस सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान ढह गया। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। विस्फोट इतना भीषण था कि पास के कुछ मकान भी इसके चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों की सहायता की। भारत और चीन के तेज विकास दर से डरे पश्चिमी देश। भारत और चीन की अगुवाई में जिस तरह इस क्षेत्र के विकासशील देश विकसित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उससे पश्चिमी देशों की नींद उड़ गई है। भारत और चीन का 15वीं से 18वीं सदी तक आधे वैश्विक व्यापार में नियंत्रण था और यह प्रभुत्व 19वीं सदी तक भारत को ब्रिटेन द्वारा उपनिवेश बनाए जाने तक कायम रहा। इसी प्रभुत्व को भारत और चीन फिर से हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान को काली सूची में डालने पर होगा आज फैसला। पेरिस में शुरू हुई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में यह फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान ने वैश्विक निगरानी के तहत आतंकी वित्त पोषण और धन शोधन को रोकने के लिए कदम उठाया है या नहीं। FATF ने पाकिस्तान को अक्टूबर तक इस बाबत कदम को उठाने के लिए कहा था, लेकिन पाकिस्तान ने अगर उसमें ढील बरती है तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। 70 साल में सबसे भीषण तूफान से जापान बेहाल। जापान में आए शक्तिशाली तूफान हगिबिस ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। तूफान ने जापान की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। घर से लेकर सड़क और बुलेट ट्रेन तक सब कुछ तूफान की भेंट चढ़ गया है। बुलेट ट्रेन के ट्रैक पर पानी भर जाने से इसका परिचालन रोकना पड़ा है। राजधानी टोक्यो समेत देश के कई अन्य बड़े हिस्से बाढ़ की चपेट में है। मंदी को मात दे रही मारुति की एस्प्रेसो, खूब हुई बुकिंग। मारुति सुजुकी की मिनी SUV एस्प्रेसो 30 सितंबर को लॉन्च हुई थी। मंदी के इस दौर में भी इस छोटी और सस्ती SUV ने अब तक 10,000 से ज्यादा बुकिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। दिल्ली में एस्प्रेसो की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 3.69 लाख रुपए है और टॉप वर्जन की कीमत 4.91 लाख रुपए है। बाजार में एस्प्रेसो की सीधी टक्कर रेनॉल्ट क्विड से है। क्रिकेटर प्रवीण कुमार फिर चर्चा में, पहनी 50 तोले की चेन। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने संजय दत्त की स्टाइल में बड़ी हुई दाढ़ी और गले में सोने की मोटी चेन के साथ इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है। प्रवीण ने इस फोटो के कैप्शन में लिखा कि जब मैंने संजू बाबा को काफी सीरियसली लिया, ये देख माँ 50 तोला। यह डायलॉग 1999 में आई संजय दत्त की फिल्म वास्तव का है। प्रवीण कुमार ने 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। 250 करोड़ के पार पहुंचा वॉर का कलेक्शन, विदेशों में भी धूम। 2 अक्टूबर को रिलीज हुई ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर ने 11 दिनों में 250 करोड़ का बिजनेस का रिकॉर्ड बना दिया है। इसके साथ ही इस फिल्म ने पहले 3 दिन में 100 करोड़, चौथे दिन 125, पांचवे दिन 150, छठे दिन 175, सातवें दिन 200, आठवें दिन 225 और नौवें दिन 238.35 करोड़ का बिजनेस कर नया बेंचमार्क स्थापित किया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।